उधर बाराबंकी में कोटेदार पर यूरिया मिली चीनी बांटने का आरोप लगा है। मामला रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नाहमहू का है। अंत्योदय कार्ड धारक उपभोक्ताओं के हंगामे के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है, जिसके बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने मामले में सप्लाई इंस्पेक्टर को मौके पर जाकर जांच के आदेश दिए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि यहां घनश्याम गुप्ता के नाम पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित है। कोटेदार के द्वारा गुरुवार को अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी वितरित की जा रही थी। उपभोक्ता चीनी लेकर जब घर पहुंचे तो उसमें यूरिया खाद के दाने दिखाई पड़े, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों ने कोटेदार के यहां आकर हंगामा कर कार्रवाई की मांग की। जो हमको प्राथमिक रूप से सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार कोटेदार को 1 क्विंटल 80 किलो अंत्योदय कार्डों में बांटने के लिए चीनी प्राप्त थी। यह चीनी 3 सिली हुई बोरियों में प्राप्त थी और 30 किलो लूज मात्रा में प्राप्त थी। प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा या कोई मिलावट का मामला सयास किए जाने का प्रकरण सामने आता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।